एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूं अनियन ऑयल। जी हां, अनियन ऑयल आपके लिए अमेजिंग काम करने वाला है। ये मैं होममेड बना रही हूँ। आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के अनियन ऑयल मिल जाएंगे, बट ये हमारा घर का बनेगा और 100% प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, इससे पहले कि अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो गाइस जल्दी से पहले देख लेना उसको भी, इसको देखने के बाद में इसके एंड स्क्रीन में वो भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं दोनों प्याज, यानी कि प्याज के जो ये पत्ते होते हैं स्प्रिंग अनियन एंड जो हमारे अनियन होते हैं वो, ये दोनों ही मैंने लिए हैं। और उसके मैंने 3-4 प्याज लिए हैं, छोटे छोटे साइज के थे, इसलिए आप लोग लें तो दो बड़े प्याज ले लेना। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसकी मैंने 5 या 6 लीफ जो होती है ना, ये ली है। तो इसको आपको बारीक बारीक छोटा छोटा कट कर लेना है। इसके फायदे मैं आगे बताऊंगी आपको, पहले मैं प्रोसेस बता देती हूँ। ठीक है, इनको कट कर लीजिएगा, प्याज है इसको कट कर लीजिए बारीक बारीक। प्याज के फायदे मैंने आपको पूरी तरह से उस वीडियो में बताए हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और बना लेना, फॉलो कर लेना। ओवरनाइट जूस बताया है मैंने, जो कि हेयर पे लगाने वाला जूस है, पीने वाला नहीं है, हेयर ग्रोथ जूस है वो। तो उसको ओवरनाइट रखिए एंड आप लोग अमेजिंग रिजल्ट देखोगे। उसको और इस ऑयल को, दोनों को साथ साथ आपको रेमेडी यूज़ करनी है गाइस। 1 महीने करिए, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा, आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ दोनों साथ में करना, ऑयल भी बना लेना और वो रेमेडी भी बना लीजिएगा। और उसको वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, उसमें मैंने अमेजिंग फ़ायदे बताए हैं। प्याज बहुत ज़्यादा सल्फर से भरपूर होता है, ये समझ लो। सल्फर जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सल्फर मिलता है। यहाँ मैंने छोटे छोटे कट करने के बाद में प्याज को अलग से ग्राइंड कर लिया है। इसको आपको पेस्ट बना लेना है, एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद में हम जो ये ग्रीन वाले हैं प्याज, इसका भी हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब आप बोलोगे कि हमारे पास ग्रीन तो नहीं है, हम सिर्फ ये ले लें क्या? तो गाइस देखो, इसका अकेले का अगर प्याज मुझे बनाना होता तो मैं फिर ग्रीन वाले यूज़ क्यों करती? ग्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए मैंने दोनों को आधे आधे क्वांटिटी में लिया है। आप लोग मार्केट से मंगा लेना, 20 रुपये में ही आती है ये। तो एक इसकी है ना, क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं इसकी, तो ये 20 रुपये की आती है। ठीक है, तो आप लोग मंगा लीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम सारे इन्ग्रीडियंट यूज़ करें जो मैं आपको बता रही हूँ वो, है ना। तो आप मंगा कर और इसको रेमेडी को बना लीजिएगा। तो हमने इसे भी अलग से पेस्ट को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, दोनों को अलग अलग पेस्ट को पीसना है। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगी क्या करना है नेक्स्ट। और ये अमेजिंग है, आपने कभी हेयर फॉल के लिए मतलब इतनी अमेजिंग वीडियो, इतनी अमेजिंग रेमेडी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दोनों का पेस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक वो रख देना है जिसमें आप ये ऑयल बनाएंगे। ठीक है, कोई भी भगोना ले लीजिए, लोहे का भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर का कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपको प्योर फॉर्म में कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, बट उसे हमें अभी गर्म नहीं करना है। बस कोकोनट ऑयल को आपको एक बाउल में डाल देना है, जितना आप लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, ये 1 कप से ज़्यादा ही है, ये समझ लो आप 1.5 या 2 कप होगा ये। ठीक है, 2 कप के करीब मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और जो मैंने ये पेस्ट पीसा है ना दोनों का, इन दोनों को मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल अभी हमने गर्म कुछ नहीं किया है, बस ठंडा ऑयल लिया हमने और इनको डाल के और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, हमें गर्म तेल में इसको नहीं डालना है, हमें ठंडे तेल में ही इसको डाल देना है दोनों को, पेस्ट को, और फिर अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते रहिए पूरा अच्छे से, जब मिक्स हो जाता है तब हम क्या करेंगे, इसको हमें गैस के ऊपर बॉईल करना है, पकाना है। तो यहाँ पर जो मैंने बर्तन लिया है, ये भगोना है, छोटा लोहे का ही है ये भगोना, तो इसके अंदर मैं इसको बना रही हूँ और इसके अंदर हमने ऐसे कैसे फिर डाल दिया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो फ्लेम है वो सबसे ज़्यादा स्लो वाला फ्लेम रखना है, बिल्कुल मीडियम नहीं, बिल्कुल तेज नहीं, सिर्फ स्लो फ्लेम पर ही ये बनेगा। और आप यकीन मानेंगे, इसको बनाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा, मतलब आधे घंटे में इसका पूरा
पूरा बॉईल हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो स्लो हो रहा था। आप लोग देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे हैं ना, बन रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पर बना था और आधा घंटा आपको लग जाएगा। तो आप अपना दूसरा काम कर लीजिए, कोई सब्ज़ी बना लीजिए, चपाती बना लीजिए साइड में, और इसका पूरा ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से हिलाते रहना कि नीचे लगना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। और आप अपना दूसरा काम भी कर लो और ये भी बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये अभी ग्रीन दिख रहा है, हमें इसको तब तक पकाना है, यानी कि तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक इसका कलर है वो ब्राउन नहीं आ जाता है, क्योंकि इसके जितनी भी गुडनेस है ना गाइस, वो सारी हमारे ऑयल के अंदर आनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अब तीनों के फ़ायदे बताने वाली हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसके फ़ायदे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कोकोनट ऑयल। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कोकोनट ऑयल में ही मैं ज़्यादातर ऑयल क्यों बनाती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल में हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है एंड ये बहुत लाइट वेट होता है और आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा और घना करने का काम करता है। बिकॉज जो कोकोनट ऑयल है ना, उसके अंदर फैटी एसिड और विटामिन्स होते हैं इतने ज़्यादा कि वो जो आपकी जड़ें हैं ना, रूट्स है स्कैल्प पे, वहाँ पर जो सीबम है ना वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको हटाने का काम करते हैं ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। और ये बालों में बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देता है बालों को, और बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और तेज़ी से बाल बढ़ने लगते हैं। इसलिए मोस्टली मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से इसको किसी भी रेमेडी को अपने अंदर समेट लेता है, आप ये समझ लो, ठीक है। इसलिए इसमें ही ज़्यादातर आपको ऑयल बनाने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीन वाले जो अनियन है वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपको सल्फर मिलता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सल्फर अकेला नहीं होता है, उसके साथ आपको इसमें विटामिन सी, विटामिन बी एंड कॉपर, फॉस्फेरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फाइबर, इतनी सारी गुडनेस है इस ग्रीन वाले प्याज में, इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये सारे जो इसमें गुडनेस है ना, वो सब आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, आपके बालों को हेल्दी बनाती है, आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देती है एंड बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और आपकी जो जड़ें हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। मतलब धीरे धीरे आपका जो हेयर फॉल है ना वो एकदम कम होने लग जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, इसके फ़ायदे बता रही हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, फ़ायदे भी देखा करिए कि किसमें क्या चीज़ होती है, हमें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, और क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम मुझे आधा घंटा इस ऑयल को बनाने में लगा गाइस, एंड आधे घंटे में आप देख रहे हैं इसका कलर है, अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, अभी जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये आई थिंक 20 मिनट्स हुए होंगे, और इसका कलर देखो ग्रीन से थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, धीरे धीरे ये एकदम ब्राउन में आ जाएगा। अभी देखिए ये हो गया है ब्राउन, इसको पूरा आधा घंटा लगा और ब्राउन कलर में आ गया। अब आपको फ्लेम को कर देना है बंद एंड इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये हमारा ऑयल है जो बन चुका है एंड इसकी जो खुशबू है ना, फ्रेग्रेंस है ना, इतनी प्यारी आ रही थी, जैसे हम सब्जी बनाते हैं उस वक्त हम प्याज को कैसे फ्राई करते हैं और रेड रेड प्याज हो जाता है, उसके बाद जो खुशबू होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से किस किस को वो पसंद है खुशबू ज़रूर मुझे बताना। अब ये ठंडा हो चुका है और इस ऑयल को हमें वापस से छान लेना है, मतलब कि इसको पूरा स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि पूरा अच्छे से जो है ऑयल वो निकल जाए। और ये बहुत अमेजिंग काम करेगा, आपका हेयर फॉल है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, आपके बाल हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नए आना स्टार्ट हो जाएंगे, घने होंगे। आप लोग बोल रहे हो ना कि बाल लंबे नहीं हो रही, इसको पूरे बालों पर लेंथ पर एंड्स तक लगाइएगा कि आपका बाल है वो तेजी से लंबा होगा, क्योंकि अनियन आपके बालों की रीग्रोथ करता है, बालों को मजबूत बनाता है, स्कैल्प को मजबूत बनाता है, और बालों का टेक्सचर है उसे बहुत अच्छा कर देता है। आपके बाल ड्राई फ्रेजी है ना तो भी वो सब कुछ हट जाएगा अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब मैं इसे एक बॉटल में डाल रही हूँ, जार में, तो आप भी इसे किसी में स्टोर करके रख लीजिए और एक महीने आराम से चल जाएगा। इसमें मैंने दूसरी कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया है, आप लोग भी प्योर बना लीजिए और इसे लगाइए, आप खुद रिजल्ट देख पाएंगे, अमेजिंग ऑयल बना है। और आपको कैसा लगा ये ऑयल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और आप इसका कलर देखो, ऐसे बॉटल में थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा है, ब्लैक ब्लैक, बट इसका एक्चुअल कलर देखिए, मैंने हाथ पे लेके बताया है, हल्का सा ग्रीन एंड येलो कलर
मिक्स हो गया है ना, और बहुत अमेजिंग है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप इसे लगाओगे बनाओगे। बट बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आपको फ्लेम को मीडियम नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही बनाना। ये मत सोचना कि यार इतना टाइम लग रहा है तो जल्दी जल्दी बना लेते हम तेज कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें सारे अनियन की गुडनेस हमें अपने तेल के अंदर लेकर आनी है, इसलिए जितना स्लो फ्लेम होगा उतना हमारा जो गुडनेस है वो एकदम प्योर रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये रेमेडी कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस बहुत सारे लाइक करके जाना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी हेयर केयर की वीडियो सारी वॉच करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इसे वॉच करेंगे और फॉलो करेंगे तो, और सभी के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, बाय।